वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके गाइस, आप सोच रहे होंगे ये क्या है। सुन, टुडेज व्लॉग आई एम ट्रैवलिंग टू दिल्ली टू हैदराबाद। सो मम्मी मेरे साथ है बाय द वे, एंड मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ क्योंकि हम लोग सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं। मम्मा भी बहुत टायर्ड है एंड मेरा कुछ बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए जस्ट मैंने थोड़ी बहुत वीडियो फुटेज निकाल लिया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ दैट वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम हेयर टू देयर, दैट्स ऑल। आई एम सुपर डुपर टायर्ड और मेरे को थोड़ी सी खांसी हो गई है, जुकाम हो गया है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। और अभी मुझे कॉल आया कि ब्रूनो की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो गॉड मेरे को बहुत बहुत टेंशन हो रही है। लुक एट दैट, दैट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल। सन दिख रहा है आपको गाइज, सनसेट हो रहा है, वाओ। लेट, हम लेट नहीं है, बट मम्मा को लग रहा था कि हम लेट हैं, बट हम लोग लेट नहीं थे। बट मैंने उन्हें बताया था कि टाइम, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत टाइम लगाती है निकलने में। शी इज़ लाइक कि जो टाइम होगा उससे सिर्फ 10 या 5 मिनट पहले ही पहुँचेंगी या फिर लेट ही पहुँचेंगी। सो दैट्स वाई मैं उनको हमेशा अगला टाइम बताती हूँ, अलरी बताती हूँ थोड़ा जल्दी। सो या मम्मी क्या है, मजा आ रहा तुम्हें यहाँ आके? बताओ, मजा आ रहा है क्या? क्यों मजा क्या आया है बताना? अब मजा नहीं आएगा, अब तुम मजा रही हो घूमने? मॉल मॉल में अलग मजा आएगा, वैसे अलग मजा आता है। और क्या, मुझे मजा नहीं आ रहा क्योंकि मुझे हो गया जुकाम और मेरी तबीयत हुई बहुत ख़राब, और कल दर्द हो रहा था पूरी बॉडी में। और मतलब मैं सोई हूँ 4 घंटे और मैं सुबह 5 बजे की उठी हूँ। अभी कितना देर, अम्मी अभी कितना बजे पता? अभी बस जो 6 बजने वाले हैं, मतलब 5:50 हो रहा है। मतलब 12 घंटे तो ऑलरेडी उठ के इंटरव्यू हुए। मम्मी को कितने घंटे में, मम्मी मुझे ठंडा नहीं लगती वहाँ पर, मम्मी को ठंड नहीं लग रही है। मम्मी चाहती है कि वो अब वो ही है, वो क्या बोलते हैं प्रो, ऐसे बाय करो। और यहाँ पे इतने सारे मच्छर है ना, इतने सारे मच्छर है, हमने वो मॉस्किटो स्प्रे लगाया है और तब भी नहीं गया है। ये परेशान हो चुके हैं, परेशान मच्छर, इतने बड़े मच्छर है ना, और डेंगू इतना स्प्रेड हो रहा है फिर भी इतने मच्छर है यहाँ पे। तो अभी हम जाएंगे वहाँ पे, कुछ खाएंगे पिएंगे, वहीं से खा के आ जाएंगे मम्मी खाना, है ना? वहीं से खा के आ जाएंगे खाना और आके घर आके बस सो जाएंगे, कल सुबह उठेंगे। वैसे भी ये 3 दिन बहुत लंबे होने वाले हैं यहाँ पे। आज का दिन इतना धीरे धीरे बीता था, तो सुबह 5 बजे से लेकर 2 बजे का टाइम जो बीता था ना, तो बता ही सकते, सो भी गए, खा भी लिया, लंच भी कर लिया, सब कर लिया, मतलब बोर भी हो लिए, फोन भी यूज कर लिया, सब कर लिया। उस इतने टाइम में ऐसा लग रहा था बस यार टाइम नहीं जा रहा, और जबकि हम अपने घर पे होते हैं वैसे चुटकियों में गुजर जाता है। मम्मी मम्मी बोल रही थी कि मुझे तो पता ही चलता कि कितना टाइम में होता है, कब टाइम निकलेगा घर पे। हाँ मुझे पता ही चलता, काम होता है ना घर पे, और घर पे अगर पड़े पड़े फोन भी चलाते रहो तो भी टाइम गुजर जाता है। पर यहाँ पे तो भाई कुछ भी देख लो, कोई टाइम गुजरता नहीं, ऐसा घड़ी पे ऐसा नजर रहती है ना कि यार बहुत। अम्मी तो जुकाम हो गया, मैं तो परेशान हो गई हूँ। दोबारा से एक बैंक वाली दवाई लूंगी मैं, अभी दोबारा खुद मेडिकल जाके, तब जाके कुछ ठीक होगा, और इसका फोन का कवर भी लूंगी मैं। सो लेट्स गो। टाइम वी आर हेडिंग टू इनॉर्बिट मॉल हैदराबाद, एंड वो थोड़ा नज़दीक था बट वो नज़दीक बिल्कुल नहीं था। हमें ट्रैफिक में इतना ज़्यादा टाइम लग गया, लिटरली हम लोगों को 1.5 और 2 आवर्स लग चुके थे, एंड हम लोग आधी मतलब नींद झोंक के आ रहे थे हमें नींद के लिटरली कार में। पर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं और मम्मा ने मैंने सोचा कि यार अभी टाइम मिला है चले जाते हैं। दैट्स लुकिंग सो नाइस, दैट इज़ ब्रिज जहाँ पे हमारा इंडिया का झंडा दिख रहा है आपको। सो या बट मैं एक्साइटेड थी जाने के लिए और मम्मा को दिखाने के लिए भी। सो लेट्स गो। ठीक है चले, और वो नीचे भी है। और ऊपर यस Thank you.
कैसे क्या होगा, पूछिए कैसे क्या होता है, है ना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो उतार के जा नहीं सकते, मुझे तो जुकाम भी हो गया, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती इस चीज़ में। तो गाइस हमें भूख लगी है, मम्मी चलोगी चिलीज में इसमें, चलो आ जाओ खा लेते हैं। मैंने कुछ मम्मी क्या हुआ मम्मी को कुछ खाना नहीं है, और यहाँ पे ना ज़्यादातर चीज़ें नॉन वेज है, मम्मी वेज खाती है बस, और मैं नॉन वेज खाती हूँ, मैं सब खा लेती हूँ, वेज नहीं अच्छा लगता मुझे। तो मैं खाऊँगी वेज, ऑब्वियसली बात है नॉन वेज अलाउड नहीं है, पर मैं एक बर्गर लेके जाऊँगी मैगडी से नॉन वेज। स्पाइसी स्मोक पास्ता वेजी हुई एंड दिस गोल्डन चॉकलेट शेक, दिस चीज। अब मम्मी को खानी थी रोटी सब्जी, मम्मी रोटी सब्जी खा के दिखती नहीं है, मम्मी को चाहिए सब लोग रोटी सब्जी खाए। मम्मी बोलो है क्या कर रही हो, रोटी सब्जी, रोटी सब्जी खानी है मम्मी को बस यही बोला था, देसी खाना, देसी खाना। मम्मी यहाँ पे लहंगे देख रही है, यहाँ पे भी लहंगे मिल जाएंगे, पर तो शादी के लायक नहीं है वो, ऐसे ही नॉर्मल पूजा पूजा के लिए। हाँ यार खाना नहीं आया अभी तक, बहुत देर हो गई हमें बैठे बैठे बस ये आई है। वी गॉट आवर पास्ता, मम्मी खुश नहीं है इस बात से, मम्मी क्या कहना चाह रही हो तुम ये कोई पास्ता है, ये क्या है, यही पास्ता है और वो टाकोज है, तो अभी सर्व कर लेते हैं एक, है ना मम्मी। ये है टाकोज, ये पास्ता है, ये है डन, मेरा मम्मी खत्म हो गई, खत्म हो गई यार वो। मम्मी को चाहिए कि और खाना दो, हमने कुछ पैक करके दिया है, तो आ रहा है इसका वेट कर रहा है, फिर हम जाएंगे लाइफस्टाइल, एंड लाइफस्टाइल में जाने के बाद कुछ खरीदना है, और फिर हम जाएंगे H&M पहले, बस दैट्स ऑल। मम्मी की शॉपिंग हो गई, तो मम्मी अभी तक यहीं पर है, मुझे भी जाना है H&M। वी हैव डन द शॉपिंग, मेरी भी हो गई, मम्मा की भी हो गई, दोनों की हो गई, तो अभी हम जा रहे हैं घर, हम सब कैब करूँगे अदर वन को, स्टारबक्स की कॉफ़ी रह गई, हम स्टारबक्स की कॉफ़ी ले जाते हैं, नहीं पी पाई, चल बाद में मिलते हैं। हम इतना थक चुके हैं ना, आई कांट से अ वर्ड, बहुत थक चुके हैं। मम्मी ये पीछे बैठी है मेरे, लोग बाहर बैठे हैं मॉल के, वेटिंग फॉर आर कैब, कैब आएगी तो हम जाते हैं होटल, और फिर सोते हैं, बहुत दिन आ रही है। माय गॉड, कुछ खाना हुआ तो वही मंगा लूँगी, पर अब ख़त्म है सब। सो वी आर हेडिंग टू आर होटल, मम्मा और मैं बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बट मतलब लकीली हमारा होटल पास में ही है, जो मॉल था उसके काफ़ी ज़्यादा पास ना, लाइक 5 kilometers ओनली, तो मैं उस बात के लिए ग्रेटफुल थी कि हाँ चलो एक चीज़ तो है पास में। एंड नाउ आई एम टेकिंग सम मेडिसिंस, क्योंकि मेरा जुकाम, मेरी खांसी बहुत ज़्यादा हो गई, और गले में टॉन्सिल्स भी हो गए हैं। सो गाइज आई हैव टू एंड दिस व्लॉग, एंड गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय।